Hey guys, good morning. So it's 5 a.m. and today's my first flight, and I'm feeling again. Still, I'm feeling fresh. What time is it? 5 baje uthna chahi thi, to finally. So yeah, let's get ready. 5 baje subah 9 baje ki flight hai. 8 बजे की फ्लाइट है, 8 की बोर्डिंग है, एंड अभी 5 बज रहा है और मुझे 6:30 तक यहाँ से निकलनी है और कैब आ जाएगी 1 घंटे में ऑलमोस्ट. सो या लेट्स गेट रेडी. दिखाकर जाना इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज फिर एसिडिटी होती है, फिर वॉमिटिंग होती है. सो आई हैव डिसाइडेड टू यू नो ईट समथिंग एंड गो. सो लेट्स मी बाद अभी एनर्जी आई है एंड आई एम फ्रीकिंग यू नो आई एम नॉट टायर्ड नॉट एट ऑल बट एग्जॉस्ट हो गई हूँ. पिछले साल जब मैंने स्टार्ट किया था फ्लाइंग ना उसके 1 मंथ के बाद आई स्टार्टेड यू नो फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड नाउ अगेन आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड
इट्स क्वाइट नॉर्मल. जिनको भी मोशन सिकनेस होती है उनको पता है हर जगह ही होती है, वेदर इट इज कार, बस और एनीथिंग. सो यस, इट्स दैट प्रॉब्लम. ऐसे ही हो गया बस. तो पहले मैं बता दूँ हुआ क्या. लैंडिंग पे बहुत भयंकर वाली वो सिकनेस होती है एंड मतलब बहुत भयंकर. आई फील लाइक आई एम डाइंग, मैं मर जाऊँ इससे बेटर. तो यस, ऐसी फील आती है एंड आई फील सो बैड अबाउट दैट. बट आई लव फ्लाइंग, आई लव बींग अ क्रू, आई लव माई जॉब. देयर इज नो डाउट दैट आई लव माई जॉब, आई लव बींग कैबिन क्रू एंड एवरीथिंग. इस जॉब को अचीव करने के लिए एवरी वन हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट, लाइक पढ़ाई एंड ऑल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है. सो यस, बट यू नो जब ये सिकनेस होती है ना तभी इट्स फील लाइक कि यार मुझे नहीं करनी है, नहीं. बट नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे करनी है एनी हाउ. आई हैव टू ओवरकम दिस. एंड टॉकिंग अबाउट मोशन सिकनेस, सारे लोगों को होती है, मुझे भी हुई है. सो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके. इस वाली की फ्लाइट में मुझे टू टेक ऑफ्स एंड टू लैंडिंग्स थे, जिसमें कि मैं फर्स्ट टेक ऑफ में तो आई वॉज वेरी एक्टिव, वेरी कूल, एवरीथिंग वॉज फाइन. बट अचानक से लैंडिंग में, यू नो, लैंडिंग वॉज ऑल्सो चिल, मतलब चिल नहीं बट इट वॉज ओके. ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा नहीं फील आ रहा था, मतलब ठीक ठाक था. बट आफ्टर फर्स्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, सेकेंड वाले टेक ऑफ में आई स्टार्टेड फीलिंग. एंड जस्ट टेक ऑफ होने के बाद, जैसे सीट बेल्ट साइन ऑफ होती है उसके बाद हम खड़े हो सकते हैं, मतलब हम मूव कर सकते हैं, तो उसके जस्ट बाद आई वेंट एंड प्यूक्ड सो मच. मतलब जो भी खाया पिया था पहले, मैं क्या करती थी, मैं खाने पीने पे ध्यान बिल्कुल नहीं देती थी, खा पी कर मैं बिल्कुल नहीं जाती थी. बट इस बारे मैंने सोचा चलो ठीक है, लोग कहते हैं कि गैस बन जाती है, चीज़ें होती है, उसके अकॉर्डिंग आप खा के जाया करो. सो मैंने सुबह में, लेट मी टेल यू, ओट्स खाया था, ओट्स विथ मिल्क एंड फ्रूट्स, वही करके गई थी. चंक भी नहीं खाया, कुछ ऐसी भी चीज़ें नहीं खाई. सब बोलते हैं खा कर आया करो, पी कर आया करो, पिया पानी पिया करो. मैंने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ, मतलब आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, एवरीथिंग आई डिड, आई हैव डन एवरीथिंग. बट सो आज की फ्लाइट काफ़ी, मतलब चिल थी, अच्छी थी. और एक ही सेक्टर करना होता तो एक सेक्टर इज बेस्ट. सो एक्साइटिंग वीडियोज आर ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू माई अंगना शो यू every each and every detail of the crew life. So yes, so that's it. अभी मैं आकर नहा कर खाना खा लिया मैंने. आई एम टेकिंग रेस्ट. मैं एक घंटे तो एटलीस्ट सोऊंगी, क्योंकि मैं जब गई थी 5 बजे. इट्स ओके, थोड़ी सी आँखों में जलन हो रही है, अदरवाइज आई एम नॉट स्लीपी. कल होली है बट कल मेरी फ्लाइट है. Keep watching guys, keep sharing, keep spreading love, keep supporting me and that's it. अभी मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद let's see what happens. मैं सोकर उठ चुकी हूँ ना, अपनी हालत देख ही रही होगी. Still I'm feeling nausea. And कल बस एक सेक्टर है, मतलब बस यहाँ से लखनऊ जाना है. सो थैंक गॉड, थैंक यू सो मच. फिर 2 दिन का रेस्ट मिलेगा जो कि ले ओवर. एंड कल है होली यहाँ पे, आज 28 है, तो यहाँ दिल्ली में 29 को होली है. एंड बस उसी की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you did, please hit the like button, subscribe to my channel, and see you soon in my next video. Tab tak ke liye, bye.